हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज वानी एंड आज की इस वीडियो में साड़ी से लहंगा इजी तरीके से कैसे बनाते हैं इसी के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, इतना इजी है कि आप सच में बना ही डालोगे। आप कहीं पे भी किसी भी शादी में, फंक्शन में, अगर आप टीनेज गर्ल हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बिकॉज साड़ी है, आप अपनी मम्मा की साड़ी से भी इसे बना सकते हैं एंड बार बार लहंगा लेने से बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार लहंगा और फिर हर बार किसी की शादी में तो नहीं पहन सकते हैं ना अलग अलग, तो इस तरीके से साड़ी से आप लहंगा क्रिएट करेंगे तो किसी की भी शादी में अलग अलग तरीके से आप इस तरीके से लहंगा क्रिएट करके पहन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो एक नॉर्मल सा स्कर्ट बांधा हुआ है, आप चाहो तो पेटीकोट भी ले सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आपको थोड़ा सा लूज नाड़ा बांधना है एंड इस तरीके से आपको अपनी जो कि आपकी साड़ी होगी इस तरीके से आपको छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाकर इस तरीके से टक करते जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो ये है साड़ी का ब्लाउज भी इसमें अटैच है एंड साड़ी का कुछ पार्ट जो है वो थोड़ा सा प्लेन भी है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इसको प्लीट्स बनाते जाएंगे एंड इसको बैक साइड में टर्न कर देंगे। इस तरीके से टर्न करते हुए जाएंगे तो आपको इजी भी रहेगा और आपको किसी की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाकर टक करते जाना है एंड वन सर्कल आपका कंप्लीट हो जाए तो इसको थोड़ा धीरे धीरे से टर्न कर लेना। ठीक है, जैसा कि आप अभी आगे देखेंगे इस तरीके से आपको टर्न करते जाना है। एक बार अगर आपका ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो भी आपके जो लास्ट वाला जो कॉर्नर बचता है ना, आपका पल्लू और जो लास्ट वाला छोर बचेगा उसको आप अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेना, एक दूसरे से रैप कर लेना। ठीक है, तो वो बंद हो जाएगा, दिखेगा नहीं एंड ये हो गया पूरा फाइनल लुक। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमेशा मेरे चैनल पर आती रहती हैं। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।